नमस्ते, मैं हूं डॉक्टर मुकेश गुप्ता, स्त्री रोग विशेषज्ञ, लेनेस्ट मलाड, मुंबई से। 40 टिप्स टू 40 वीक्स का आज 21st वीक का पड़ाव पहुंच गया है। 21st वीक यानी आधी प्रेगनेंसी गुजर चुकी है और आने वाली आधी जा चुकी है। आज का जो महत्वपूर्ण टिप हम आपको देने जा रहे हैं वो ये है, अपने ब्लड प्रेशर का ध्यान रखें। बहुत ही साधारण टिप है बट बहुत ही पावरफुल और ज़रूरी टिप है। फिर से कहूँगा, अपने ब्लड प्रेशर, रक्तदाब का ध्यान रखें, उसे रेगुलरली चेक कराएं। क्यों ज़रूरी है ये और क्यों अब हम कह रहे हैं इसके बारे में? नॉर्मली प्रेगनेंसी के जो पहले हाफ में अगर ब्लड प्रेशर ज़्यादा होता है तो वो बीमारी को PIH या जेस्टेशन हाइपरटेंशन नहीं कहते, वो आपको पहले से ही ब्लड प्रेशर ज़्यादा था और अभी आपने डिटेक्ट किया है। लेकिन प्रेगनेंसी के 20वें हफ्ते के बाद यदि ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है और डिटेक्ट होता है तो उसे हम कहते हैं प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन या जेस्टेशनल हाइपरटेंशन। अब क्या प्रॉब्लम होती है अगर यदि ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है तो? ब्लड प्रेशर बढ़ने से शरीर के सारे भागों पर इफेक्ट पड़ सकता है। मदर पे इफेक्ट पड़ सकता है, बेबी पे इफेक्ट पड़ सकता है। मदर पे ये इफेक्ट हो सकता है कि उसके ब्रेन में स्वेलिंग होकर कन्वर्जन आ सकता है, उसको लीवर में स्वेलिंग आके लीवर के फंक्शन अफेक्ट हो सकते हैं, किडनी के फंक्शन अफेक्ट हो सकते हैं, आँखों में प्रेशर बढ़ने की वजह से चेंजेस आ सकते हैं, तो काफ़ी फर्क पड़ सकता है। पर ये कॉम्प्लिकेशन होगा तब, पर ज़्यादातर स्त्रियाँ एक्चुअली कॉम्प्लिकेशन तक नहीं पहुँचती, केवल बॉर्डर लाइन ब्लड प्रेशर बढ़ता है, माइल्ड या मॉडरेट PIH होता है और हम उसको कंट्रोल में ले आ सकते हैं और कॉम्प्लिकेशन होने को रोक सकते हैं। अब ब्लड प्रेशर का इशू ये है कि जब तक लेडी डिलीवर नहीं हो जाती, बच्चा बाहर नहीं आ जाता, तब तक ब्लड प्रेशर कंट्रोल में नहीं आने वाला है, तब तक ब्लड प्रेशर नॉर्मल नहीं होने वाला है। उसे केवल कॉम्प्लिकेशन होने से रोकने के लिए दवाइयाँ दी जाती है और मैनेज किया जाता है। सो आपके 20 हफ्ते एक बार क्रॉस हो जाते हैं तो हर हफ्ते जब भी आप डॉक्टर के पास में, हर हफ्ते या हर विजिट में जब भी आप डॉक्टर के पास जाएंगे, तब आपके डॉक्टर और आपके जो स्टाफ नर्सेज जो काम कर रहे हैं वो आपका रेगुलर ब्लड प्रेशर चेक करेंगे। यदि आपको लग रहा है कि आपका ब्लड प्रेशर चेक नहीं हुआ तो प्लीज़ चेक कराएं, और यदि आपके डॉक्टर आपसे कह रहे हैं कि आपको ब्लड प्रेशर रेगुलरली घर पे भी चेक करना है तो प्लीज़ वैसा सुनिए और आप कीजिए। क्योंकि ब्लड प्रेशर बढ़ने की वजह से जो कॉम्प्लिकेशन है वो मदर के तो मैंने गिना दिए, बच्चे में भी दिक्कत ये आती है कि समय के पहले डिलीवरी कर देना या बच्चे का वजन ठीक से नहीं बढ़ना या ब्लीडिंग की वजह से सडनली ब्लीडिंग होना और सडनली प्लासेंटा और माँ के बीच में जो कनेक्शन होता है वो सेपरेट हो जाना, और उससे बच्चे की जान को भी खतरा हो सकता है। सो अगर ब्लड प्रेशर आपका ठीक रहा तो कोई दिक्कत नहीं है, तो इसे कंट्रोल में लाना बहुत ज़रूरी है। आपको कैसे मालूम पड़ेगा कि आपका ब्लड प्रेशर ज़्यादा आ रहा है? वॉट आर द सिम्टम्स? सो कभी कभी आपको सर दर्द होगा, आँखों के सामने अंधेरा आएगा, एपिगैस्ट्रिक पेन होगा, स्वेलिंग बहुत ज़्यादा होना, सुबह सुबह उठते से ही स्वेलिंग होना, रेस्ट करने के बावजूद स्वेलिंग होना, मतलब दिन भर के बाद में पैर में थोड़ा सा सूजन आना तो स्वाभाविक है, लेकिन सुबह पूरा रात आराम करने के बाद जब सुबह आप उठते हैं तब भी आपके हाथों में, चेहरे पे, पैरों में स्वेलिंग है, तब जरा सा हमें हमारा रेड फ्लैग ऊपर होना चाहिए और डॉक्टर के पास जाके चेकअप करा लेना चाहिए। कई बार यूरिन आउटपुट कम हो जाता है या फिर यूरिन में प्रोटीन लीक होना चालू हो जाता है, ये सारी जो फैक्ट्स हैं ये आपके डॉक्टर इवैल्यूएट करके आपको बता सकते हैं कि आपको इलाज की ज़रूरत है या नहीं। लास्ट में फिर से मैं एक ही लाइन कहूँगा कि आपका ब्लड प्रेशर रेगुलर चेक करना बहुत ज़रूरी है और कृपया अपने ब्लड प्रेशर का ध्यान रखें। थैंक यू।